सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आप सभी को पता है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना पहले वाला जो व्लॉग था जो मैंने लिविंग 24 आवर्स कार में जो स्पेंड किया था उसका व्लॉग अभी अभी ख़त्म किया था। तो अभी शायद 5-10 मिनट हुई है उस व्लॉग को कम्प्लीट हुए, तो मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो गाइस अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अभी गंदे धो रही थी तो मम्मी ने मेरे को पूरा गिल्ला कर दिया, तो मैं खुद भी कम नहीं हूँ, मैंने मम्मी को पूरा गिल्ला कर दिया और अब बाकी के मम्मी खुद साफ़ करेंगे, मैं नहीं करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया। सो अभी पहले मैं दोबारा से ना के आती हूँ, सुबह से एक बार तो इन्होंने कर दिया मेरे को गिल्ला, तो अभी जाते हैं। मैं दोबारा से ना के आ चुकी हूँ और अभी मैं खेत में जा रही थी दादा के लिए पानी लेके, क्योंकि दादा खेत के अंदर, तो अभी हम चलते हैं जल्दी जल्दी वहाँ से आ जाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो चलते जल्दी। सो गाइस हम अपने खेत के अंदर आ चुके हैं और आज धूप भी बहुत तेज़ है, तो दादा उस साइड है, मैं पहले दादा के पास चलते हैं। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. So guys, धूप ज़्यादा होने की वजह से मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो सीधा अपने रूम में चलते हैं अभी। गाइज हम वापस आ चुके हैं घर के अंदर, तो आप देख सकते हो हमारी गिलोय की बेल कितनी अच्छी हो गई, तो अभी चलते हैं, मम्मी भी खाना बनाना स्टार्ट करने वाली है अभी, तो गर्मी लग रही है, सबसे पहले तो कमरे के अंदर चलते हैं उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे आगे। सो गाइस अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। गाइस आज खाने में लाल मिर्च की चटनी है, दही और लेसे का अचार और रोटी जिनके अंदर पालक डाल रखे हैं। सो गाइस वैसे तो सब्जी भी बनी हुई है घिया की, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैं उसे नहीं खाऊंगी, तो हम सिंपल ये खाएंगे, लेकिन जो ये लाल चटनी है सच में बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो अभी हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मम्मी हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली है, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मम्मी क्या स्पेशल बनाने वाली है, मुझे खुद नहीं पता क्या बना रही है, लेकिन मतलब पता तो है लेकिन मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या बनाने वाले हैं। तो चलो मैं कमरे में लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। सो गाइज मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ और मम्मी यहाँ तैयारी कर रही हैं, तो मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The st-
story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. तो दोस्तों आप सभी ने पता चल ही गया होगा देख के कि क्या बना है आज, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज बना है मसाला डोसा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। So guys, देख सकते हैं हमारा मसाला डोसा बनकर रेडी है, और इसके साथ लाल चटनी और ये सांभर। तो अभी हम इसको खाना स्टार्ट करते हैं। So guys, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कैसा बना है। आप टेस्ट नहीं कर सकते, पर आप इसे देख के ही पता कर सकते हैं कैसा बना है। इसे खाना स्टार्ट कर दिया, काफी टेस्टी है। अभी शाम के 6:05 हो चुके हैं और शाम के खाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मीठे चावल बनाओ, क्योंकि मीठे चावल खाने का काफ़ी दिन से मन कर रहा था। तो मम्मी ने गैस पे रख रखे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मम्मी बना रही है मीठे चावल, तो ये जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो टाइम भी अभी 6:10 होने वाले हैं। गाइस, आई होप आपको व्लॉग में मज़ा आ रहा है। तो अभी बस ये रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम ये खाएंगे। और हमारे चावल बन के रेडी हैं, आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, हमारे मीठे चावल बन के रेडी हैं और अभी टाइम हुआ है 7:00 वाले हैं, और मैं ये ख़त्म करने के बाद इस व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट कर दूँगी। सो गाइस, मैं अभी अपने रूम में आ चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ी देर के लिए एडिटिंग करूँगी, मतलब जितनी हो सकेगी उतनी एडिटिंग कर दूँगी, और उसके बाद हम सो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप गाइस आप सभी को इस व्लॉग में मज़ा आया हुआ। सो ऐसे इंटरटेनिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।